हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं प्लांट पैथोलॉजी में वो प्रश्न जो पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जेसएसबी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज से कौन से प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं तो देखते हैं। और उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा है, वही प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉलेटाइल सॉयल ट्रीटिंग केमिकल। इनमें से वो कौन सा केमिकल नहीं है जो वॉलेटाइल सॉयल ट्रीटिंग में यूज़ नहीं होता है, कौन सा है? तो वो है व्यापाम। व्यापाम क्या है? व्यापाम एक सुप्रसिद्ध धूमक फ्यूमीगेंट है जो लंबी अवधि की फसलों में उत्पन्न कीटों को नष्ट करने के लिए फसल रोपण से पहले किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये यूपी पीएससी प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। निम्न में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है? इनमें से कौन सा है जो, देखिए, पायरेथ्रम है, एजरेक्टिन है और बीटी टॉक्सिन, तो बीटी कॉटन में उत्पन्न होती है, मैलाथियोन, तो इसमें से मैलाथियोन का जैविक उत्पादन नहीं होता है। मैलाथियोन एक ऑर्गीफॉस्फेट कीटनाशक है जो एक एस्टलोक्लिनिस्टेस अवरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरॉइड डिजीज। इनमें से वायरॉइड डिजीज कौन सी है, बताइएगा? तो इनमें से जो वायरॉइड डिजीज है वो कौन सी है? डी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है। और वायरॉइड सब आप जानते हैं कि आरएनए के स्मॉल पीस होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज क्राउन गाल इन प्लांट। निम्न में से कौन पौधों में क्राउन गाल उत्पन्न करता है? तो जानते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस उत्पन्न करता है। और हम आपको बता दें, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये एक अच्छा वेक्टर भी है, आपके जीन वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ही बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, तो बताइएगा। तो उसमें से आप सब जानते हैं, बैसिलस थुरिंजिनियंसिस, इसका प्रयोग जो बीटी काटन, आपने सुना होगा बीटी काटन का नाम आप सबने सुना कहा है? तो बीटी काटन का नाम आप सबने सुना है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी काटन बनाएगा, तो उसमें सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। निम्न में से कौन सा जीवाणुविक रोग है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, तो बताइएगा। विल्ट ऑफ टोमेटो, लीप स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मरिक, एंगुलर लीप स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर, तो इनमें कौन सा है? तो ये एंगुलर जो लीप डिजीज ऑफ कॉटन है, ये बैक्टीरिया जेंथोमोनास मलवेसेरम के द्वारा फैलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। निम्न में कौन सा सामुच्य सही है, पाउडरी मिल्डवी ऑफ सीरियल्स क्रॉप्स एंड इराइस्पी पॉलीगोनी, पाउडरी मिल्डवी इराइस्पी सही है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले आश्लेगो न्यूडा, एलो रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पीच लीफ कर्ल ऑफ टैफिरना टैफ्राइना डिफॉर्मेंस के द्वारा होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी है, अनाजों में जो होता है राइस्पी ग्रैमिनिस, जौ का बंद अश्लेगो हार्डी, गेहूं का पीत किट्रोपक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, आडू में पत्तियों का मुड़ना टैफ्राइना डिफॉर्मेंस, ये अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें करेक्ट पूछा है।
तो ये थोड़ा सा पाउडरी मिल्डवी आप सीरियल्स जो है वो इराइस्पी पॉलीगोनी से नहीं होती है, इराइस्पी ग्रेमनी से होती है, और जो पॉलीगोनी से होती है तो पाउडरी मिल्डवी आप पी, ध्यान रखिएगा पाउडरी मिल्डवी आप पी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें से ये वाला टेफ्राइना डिफॉर्मेंस सही है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा के द्वारा ये नहीं होता, न्यूटा के द्वारा नहीं होता, इनके जीनस सही दिए हैं मगर स्पीसीज गलत दिया है। देखो गेहूं का जो येलो रस्ट डिजीज पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस द्वारा होता है, और जौ का बंद स्मर जो अश्लेगो हॉर्डी के द्वारा होता है, जबकि यहाँ न्यूटा दिया है। जीनस सबके सही दिए हुए, स्पीसीज में गड़बड़ किया है, और स्पीसीज एक ऐसी होती है कि जो अक्सर आपको क्वेश्चन गलत कराती है, क्योंकि लगभग लोग जो होते हैं वो जीनस ही पढ़ते हैं, वो हम क्या आप क्या सब लोग जीनस पढ़ लेते हैं और लगता है कि इससे मिलता जुलता आ जाएगा तो पता चल जाएगा, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है क्वेश्चन गलत होने का। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फंगल ओरिजिन, निम्न में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है। एफ्लाटॉक्सिन, बिल्कुल ये एस्परजिलस से एफ्लाटॉक्सिन प्राप्त होता है। कैप्सेसिन, तो कैप्सेसिन जो होता है वो मिर्च से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, मिर्च से, तो यही है जिसकी उत्पत्ति फंगल से नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइटोएलेक्सिन क्या है, फाइटोएलेक्सिन आर तो रोगाणुओं से उत्पन्न कुछ रसायन जो होस्ट पौधे को नष्ट कर देते हैं, कुछ फिनोलिक पदार्थ जो होस्ट पौधों द्वारा रोगाणुओं को मारने के लिए उत्पन्न होता है, पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए जरूरी रसायन बिल्कुल नहीं है, कुछ अकार्बनिक पदार्थ जो होस्ट पदार्थ पौधों पर आक्रमण में रोगाणुओं की सहायता करते हैं, तो नहीं, ऑप्शन बी सही है। ये एक फिनोलिक पदार्थ है, यानी सर्टेन फिनोलिक सबिस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट टू किल द पैथोजेंस, ऐसे पौधे कुछ फिनोलिक सबिस्टेंस सिक्रीट करते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनको फाइटोएलेक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज स्मट डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, तो स्मट तो आप सब जानते हैं आश्लेगो से फैलता है, और जो रस्ट है वो पक्सीनिया से फैलता है, एगेरिकस खाने योग्य होता है, म्यूकर एक सेप्रोफिटिक फंगस है, इससे कुछ सेप्रोफिटिक डिजीज भी होती है, ध्यान रखना, ये रोग भी उत्पन्न करता है म्यूकर, और ये बॉडी पर भी रोग उत्पन्न करता है, म्यूकर की कई जातियां हैं जो भयानक बीमारी म्यूकोसिस उत्पन्न करती हैं, जैसे मुंह का एकदम सड़ जाना, मुंह में वाइट वाइट स्पॉट आ जाना, अंदर की पूरी खाल छूट जाना मुंह के अंदर, तब भी ये आज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो वो कौन थे, तो बटलर, इज ए बटलर जो थे उनको एक आयरिश माइक्रोलॉजिस्ट प्लांट रोग वैज्ञानिक थे, इन्हें भारत में पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है, बटलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बंगाल फेमिन इन 1942, तो बंगाल में किसके कारण हुआ था, तो धान का था रोग शायद था बंगाल में, धान का पर्ण दाग रोग, लीप स्पॉट ऑफ राइस था, ब्राउन लीप स्पॉट ऑफ राइस था, ये हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा फैलता है। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं, खैरा डिजीज इज पैडी इज कॉज्ड बाय, तो आप सब जानते हैं जेडेन डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोइलेक्सिन आर, फिर देखिए फाइटोइलेक्सिन आया, फाइटोइलेक्सिन उत्पन्न होता है कवक के संक्रमण के उपरांत, बिफोर फंगल इन्फेक्शन, ऑन फंगल कॉन्टेक्ट विथ प्लांट, ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें सही है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल स्कैब डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो एप्पल स्कैब डिजीज जो फैलती है वो किसके द्वारा फैलती है, तो ये वेंचीरिया एनाई केवलिस के द्वारा फैलती है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक फंजीसाइडीज, वह घटक जो अधिकांश अकार्बनिक कवकनाशियों में पाया जाता है वह कौन सा है, तो वो कौन सा है, सल्फर, कौन सा है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित युग्मों में सही मैच कौन सा नहीं है, पाइथियम डैम्पिंग ऑफ फ्यूजेरियम विल्ट, अल्टरनेरिया शॉर्ट होल डिजीज, आश्लेगो बन डिजीज, तो इसमें से कौन सा
मैच नहीं है, तो अल्टरनेरिया शॉर्ट होल डिजीज ये मैच नहीं है। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय, तो विल्ट डिजीज जो होती है वो किसके द्वारा फैलती है? तो देखिए, विल्ट जो फैलती है वो सब जानते हो फ्यूजेरियम के द्वारा फैलती है, और स्पीसीज ऑक्सीस्पोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो खूब पूछते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो किसके द्वारा फैलता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा फैलता है। सिस्टोपस का दूसरा नाम आस्टलेगो है, और आस्टलेगो से सॉरी 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 सिस्टोपस का दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ एल्ब्यूगो है। क्या है? एल्ब्यूगो, आस्टलेगो निकल गया था, एल्ब्यूगो है। इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फैलता है। अल्टरनेरिया से जानते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आस्टलेगो से आप जानते हैं इसमें फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिट्रस कैंकर इज ए, तो कौन सा है? ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेल्टी बायोलॉजी जीआईसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, तो ब्लास्ट डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है? तो पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा ब्लास्ट डिजीज फैलती है, ध्यान रखिएगा। ये एलटी ग्रेट बायोलॉजी, देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं एक हमारी बात को याद रखिएगा, पढ़ना कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि किसी को अच्छा लगता हो, मगर ना चाहते हुए आप पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, आपको इनमें से क्वेश्चन निकलते हैं। अगर वो मान लेते हैं इस साल पीसीएस में आया, तो हो सकता है वो 10 साल बाद आपके पीजीटी में रखा हो, वो आज जो पीजीटी में आया हो सकता है 4 साल बाद वो पीसीएस में रखा हो। तो ऐसा नहीं कि कोई हवा में क्वेश्चन बनते हैं, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि पेपर सेटर कौन है। भाई जो होते हैं वो डिग्री कॉलेज के बंदे ही बनाते हैं, और जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वही पेपर बनाते हैं। अब वो मान लेते हैं बंदा स्पेशलाइजेशन है उसका प्लांट पैथोलॉजी का, तो वो फिर क्वेश्चन मैक्सिमम उठाता है प्लांट पैथोलॉजी के, टफ क्वेश्चन उठाता है, तो ये चीज़ हो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज पादप रोगों के जैव नियंत्रण में प्रभावी है? तो ये तो आप सब जानते हैं, ट्राइकोडर्मा विर्डे खूब यूज होता है, और बैसिलस सब्टिलिस, तो इनमें से जो दिया हुआ एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोरोसिस इन प्लांट अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो क्लोरोसिस किसके कारण फैलता है? तो आप सब जानते हैं जेडेन की अनुपस्थित, पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, वृद्धि करने वाला भाग सूख जाता है, फल छोटे रह जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, तथा पत्तियां चितकबरी पीली हो जाती हैं, जिन्हें क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवोदय में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पहला ब्लाइट ऑफ सुगर केन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, गन्ने में पाई जाने वाली पहला चित्ती इसके प्रभाव के कारण होती, कापर, मैग्नीज, आयरन, नान ऑफ द अबव, तो ऑप्शन बी सही है, मैग्नीज। गन्ने में पाई जाने वाली पहला चित्ती मैग्नीज के अभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कास्ट बाय एल्विगो कैनिडा बिलोंग टू द क्लास, तो ये किसके द्वारा? फाइटोप्थोरा और ऑल ऑफ द अबव ओमाइसिटीज, तो ये किसका सदस्य है? ओमाइसिटीज का सदस्य है। द काज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट का, देख खूब क्लोरोसिस पूछ रहा है, तो क्लोरोसिस कोई एक एलिमेंट से नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, इसमें कई एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एलिमेंट से होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ मैग्नीस, तो मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम के द्वारा भी क्लोरोसिस होता है, जेडिन के द्वारा भी क्लोरोसिस होता है, और शायद उसके कैल्शियम के द्वारा भी क्लोरोसिस होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ईयर कोकिल डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, तो ईयर कोकिल जो डिजीज है वो किसके द्वारा कॉज्ड होती है? तो निमेटोड्स के द्वारा होती है। ये देखिए पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया है, और इसका निमेटोड का नाम क्या है? एंग्विना टिटिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कारक है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। क्राउन गार्ड डिजीज जो कारक है, एग्रोबैक्टीरियम। मलेरिया ठीक करने वाली दवा सिंकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, आप सब जानते हैं।
रोगजनक संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे उसके किसी भाग अथवा ऊतक का समानित विकास कहलाता है, रेड्यूस डेवलपमेंट ऑफ होल। तो देखिए, जिसमें रेड्यूस होता है तो उसमें तो आप सब जानते हैं, तो उसमें होगा क्या, तो हाइपोप्लेसिया होगा, ध्यान रखिएगा। क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, तो तेज रोशनी में अधिक शोषण कारण, अंधेरे कारण, लोहा मैग्नीशियम तत्वों के अभाव के कारण, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट। निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, तो फाइटोएलेक्सिन है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। अभी है क्वेश्चन इसके, आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट, तो आयरन डिफिशियंसी के रिजल्ट से क्या दिखाई देता है, देखिए टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही है, पहले नई पत्तियों में अंतर सिरी हरमहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर जो होता है वो जेंथोमोनास के द्वारा होता है। आज ये पूरा टॉपिक खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बिसाइड, निम्न में कौन एक खरपतवार नाशी है, तो 2,4-D दिया होगा, 2,4-D दिया है ऑप्शन में, यही सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज, निम्न में कौन एक कवक व्याधि है, तो रिंग वर्म है जो कवक व्याधि है, LT बायोलॉजी 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट डिजीज, स्थानिक पादक बीमारी का उदाहरण है, तो कौन सा है बताएगा, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। टिक्का डिजीज जो होता है वो सब जानते हैं, सर्कोस्पोरा परसनेटा रेडिकोला दो के द्वारा फैलता है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो खत्म हुआ। अब हम इसके बाद जो चर्चा हमारी होगी वो होगी जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में आए हुए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।